हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में होने वाली नोज़ की प्रॉब्लम्स एंड उसकी क्या सावधानियां हैं गर्मी और नोज़। दोस्तों, जैसे हमारे को सर्दियों में नोज़ में प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही गर्मियों में भी बहुत सारी नोज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। गर्मियों में दोस्तों, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 40 डिग्री से 50 डिग्री बहुत बार हम राजस्थान में टेम्परेचर पहुंच जाता है। दोस्तों, जब बाहर की एयर बहुत गर्म होती है तो उस गर्म एयर के कारण हमारा जो नोज़ का जो अंदर का जो म्यूकोजा है वो ड्राई होती है। दोस्तों, जैसे आपको पता है, हमारा नोज़ जो हमारी एयर होती है उसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर बहुत गर्म होती है तो हमारे नोज़ का जो अंदर का जो पार्ट है, सेप्टम का जो म्यूकोजा है, वो ड्राई होता है, वहाँ क्रस्ट बनता है। एंड बहुत बार हम उस क्रस्ट को जब क्लीन करते हैं तो दोस्तों, आपने देखा होगा हमारी फिंगर पे ब्लीडिंग आती है, या बहुत बार कंटिन्यू ट्रिकलिंग होती है, या बच्चों को देखा होगा आपने, उनके जो है जिसको हम नोज ब्लीडिंग या एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग उनका जो कंप्लेंट होता है कि नोज ड्राई होता है, खुश्क हो जाता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो सकता है। दोस्तों, क्या हमें करना चाहिए जिससे ये हमारे को प्रॉब्लम नहीं हो? नंबर वन दोस्तों, आपको जो है पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए हमें उचित मात्रा में टाइम टू टाइम जो है वो हम ड्रिंकिंग ऑफ वाटर जो है वो कंटिन्यू हमें लेना चाहिए। नंबर दो दोस्तों, जब हम बाहर निकलते हैं और जिनको क्रस्टिंग की प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, जिन्होंने नोज सर्जरी कराई हुई है, पार्टिकुलरली उनको एक जेल है, नेजोक्लियर जेल, या कुछ भी नहीं है तो आप वैसलीन नोज़ के अंदर आपको यूँ आपको लगाना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन आपको कम से कम हो। नंबर तीन दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप फोर व्हीलर नहीं टू व्हीलर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको नोज़ पे कोई अच्छा जो है वो कॉटन का कपड़ा या वो भी बांध सकते हैं, जिससे हमारा नोज़ ड्राई बेसिकली नहीं हो। दोस्तों, अगर आप कोई मेडिकेशंस लेते हैं तो वो मेडिकेशंस का भी जो है वो टाइम आप चेंज कर सकते हैं, या अपने चिकित्सक के सहायता से उसको जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या है, अगर आप डिकंजेस्टेंट टैबलेट्स ले रहे हैं, आपको बहुत सारा ज़ुकाम है, तो वो डिकंजेस्टेंट टैबलेट के कारण भी जो है नोज़ के अंदर की म्यूकोजा हमारी ड्राई होती है। सो दोस्तों, ये जो चीज़ है जिससे हम नोज़ के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, उनसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, नोज़ की देखभाल कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो बच्चे हैं उनका जो है हमारा जो नेल जो है उनको समय समय पे है नाखून जो है वो उनको बाइट करते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों में नोज पिकिंग की जो हैबिट्स है वो उस क्रस्ट को क्लीन करने के लिए बार बार होती है, जिससे हमारे को ब्लीडिंग होती रहती है। सो दोस्तों, एक हेल्दी नोज़ के लिए एक गर्मियों में पार्टिकुलरली इन टिप्स का ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर आपको कोई नोज़ की विकृति है, आपका नोज डेविएटेड है, आपको नोज से ब्लॉकेज रहता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये और भी आपको गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए उचित आप जो भी आपको बाहर की विकृति है या नोज का फंक्शनली ब्लॉकेज है, उसका हमें चिकित्सक से जो है उचित परामर्श लेके उसका आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिससे आप बिल्कुल एक हेल्दी और जो है आइडियली नोज जो आप बना सको, जिससे आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी जो है वो नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले दिए गए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।